दोस्तों नथिंग फोन 2 के काफी सारे लीक्स निकल के आए हैं, जहां पर कुछ लीक्स तो नथिंग ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे डाले हैं। जब नथिंग फोन आया था तब भाई क्रेजी सीन था, सब जगह उसके ग्लिफ इंटरफेस की, नए डिजाइन की बात हो रही थी, आईफोन से कैसे वो टक्कर लेगा, इस सब के बारे में बातें चल रही थी। और कुछ ऐसा ही सीन हमें नथिंग फोन 2 के साथ भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी सिर्फ इसके लीक्स निकल के बाहर आए हैं, फोन खुद बाहर निकल के अभी तक नहीं आया है। मैं हूं रवि और मुझे जितने लीक्स पता चले अपने सूत्रों के हवाले से वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए टेक बचपेरा चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। सबसे पहला लीक निकल के आ रहा है नथिंग फोन 2 के प्रोसेसर को लेकर, जो कि नथिंग के करता धरता स्वयं कार्ल पेन ने शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल पे। नथिंग फोन 1 में हमें जहां क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस प्रोसेसर देखने को मिला था, वहीं नथिंग फोन 2 अब एक कदम आगे बढ़ के स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 के साथ आएगा। इसके अलावा नथिंग फोन 2 की उम्र को लंबा करने के लिए यहां पर आपको 3 साल के OS अपडेट्स देखने को मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो भाई परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी में फोन काफी अच्छा होने वाला। इसके अलावा आपको नथिंग फोन 2 के अंदर 200 mAh की बैटरी ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू नथिंग फोन 1। तो मतलब जहां नथिंग फोन 1 के अंदर 4500 mAh की बैटरी थी, अब हमें नथिंग फोन 2 के अंदर 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर का जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो भी काफी बेहतर है 778G के मुकाबले। तो मतलब भाई बैटरी गेम काफी लंबा करने का प्लान किया है नथिंग फोन 2 के अंदर। हालांकि चार्जिंग स्पीड के बारे में अभी तक कुछ भी निकल के नहीं आया है, लेकिन ये जरूर होगा कि चार्जिंग अडैप्टर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज नहीं है। इसके अलावा नथिंग फोन का डिस्प्ले भी 1.5 इंच बड़ा होगा नथिंग फोन 1 से। नथिंग फोन 1 में 6.55 इंच का लगभग डिस्प्ले था, तो अब मतलब नथिंग फोन 2 के अंदर हमें 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। बाकी डिस्प्ले OLED होगा जो HDR10 प्लस के सपोर्ट और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। अब डिजाइन में हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नथिंग ना अपना लेगेसी बनाने के लिए आया है जैसे आईफोन ने बना रखी है, तो ऐसे जो प्रीमियम फोन्स होते हैं वो अपने डिजाइन के साथ हर 2-3 फोन के साथ बदलाव नहीं करते हैं। मतलब नथिंग फोन 2 के अंदर फोन 1 के जैसा ही सिमिलर डिजाइन पैटर्न होगा। हालांकि हो सकता है ग्लिफ इंटरफेस में थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिले नथिंग फोन 2 में। बाकी भाई इस बार नथिंग ने एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पे काफी ज्यादा फोकस करा है, काफी चीजें रिसाइकल्ड यूज हुई है, जहां पर एल्यूमिनियम का फ्रेम है वो भी 100% रिसाइकल्ड होगा। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के अलावा भी इस फोन के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि ये फोन मेड इन इंडिया होगा। हालांकि एक बड़ा चेंज हमें इसके कैमरास में देखने को मिल सकता है। नथिंग फोन 1 के अंदर डुअल रियर कैमरा सेटअप था, लेकिन अब नथिंग फोन 2 में हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात ही होगी कि डिजाइन के अंदर बैक पैनल में तीसरे कैमरा को नथिंग कहां और कैसे सेट करके देगा। क्या ये कैमरास लीनियर रहने वाले हैं या फिर आईफोन 14 प्रो के जैसे रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब कार्ल पेन ने स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 के बारे में बताया, इससे ये साफ हो गया कि आप रियर कैमरा से अप टू 4K 60fps की वीडियो शूट कर पाओगे जो रॉ और HDR को सपोर्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर की अगर बात करूं तो हमें नथिंग OS ही देखने को मिलेगा जो एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड होगा। इसके अलावा 3 साल का आपको OS अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें इंडिया के अंदर दोस्तों, तो ये फोन के फीचर्स जो है वो कहीं ना कहीं OnePlus 11R और Google Pixel 7a की रेंज में आते हैं। अब ये दोनों फोन 40-45 हज़ार की रेंज में पड़ते हैं आपको, तो मुझे लगता है नथिंग फोन 2 भी कहीं ना कहीं 40-45 के रेंज में रहने वाला है। अगर ये फोन 40 के नीचे लॉन्च किया जाता है तो भाई काफी ज्यादा तगड़ा सीन होगा। लेकिन गलती से अगर नथिंग ने इसे 50 हज़ार के ऊपर लॉन्च कर दिया तो वो थोड़ा सा ओवर प्राइस माना जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि प्राइस में इतना डेविएशन होगा, बल्कि 40-45 की रेंज परफेक्ट है। बाकी पहले कुछ लीक्स निकल के आ रहे थे जिनमें बताया जा रहा था कि ये फोन जून में लॉन्च होगा, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये फोन जून में तो बिल्कुल नहीं आएगा। हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में हमें ये फोन देखने को मिल जाए। तो भाई ये कुछ लीक्स थे जो मैंने अपनी रिसर्च और अपने सूत्रों के हवाले से निकाल के आपको बताए इस वीडियो में। बाकी मैं इस फोन के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट्स में बताओ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं डेली टेक वीडियोस और गैजेट रिव्यूज वीडियो डालता हूँ। और टेक पचपेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, पीस आउट।